मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एक बार फिर लोकसभा चुनाव की टिकट राव इंद्रजीत को मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आप देख सकते हैं किस प्रकार भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल यादव जी हैं। कमल यादव जी से सबसे पहले बात करते हैं। कमल जी, कैसा समझते हैं कि इस बार भाजपा, क्या 400 पार, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि 400 पार, तो इस बार भी क्या नाम है, पिछली बार की तरह वोट जो पड़ेंगी वो भाजपा के नरेंद्र मोदी के नाम पे या राव साहब के नाम पे? निश्चित रूप से पूरे देश का मूड आपने देखा है, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप से पूरा देश भाजपा में है, नरेंद्र मोदी जी के काम को याद कर रहा है। उनके काम को देखते हुए निश्चित रूप से हम 400 पार सीटें इस बार लेने जा रहे हैं, और विशेषकर जब मैं हरियाणा की बात करता हूं तो 10 की 10 लोकसभा की सीटें भाजपा की झोली में जाने वाली हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पिछले एक महीने के अंदर दो दौरे गुरुग्राम लोकसभा के अंदर किए, और जब पहली दफ़ा आए तो एम्स लेकर के आए, और दूसरी दफ़ा आए तो द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात लेकर के आए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जो आपने कहा 400 पार, तो 400 पार ही सीटें इस बार हमारी आने वाली हैं, इसका मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी का भी रिकॉर्ड रहा है, जहाँ पर वो जाते हैं, जिस एरिया में जाते हैं, वहाँ की वोट उनकी झोली में गिर जाती है, क्या इस बार भी यही होगा? देखिए, ये तो देश की जनता का प्यार है, प्रत्येक देश के नागरिक का प्यार है, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो देश के अंदर जो बड़े बड़े काम किए हैं, काम तो सब करते हैं, लेकिन जो ऐसे काम किए जो तो भूतो न भविष्यति, जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, इस प्रकार के जो काम किए हैं, धारा 370 को तोड़ना, राम मंदिर बनाना, CAA कानून, बहुत सी ऐसी कानून जो देश के अंदर आज़ादी से पहले से चले आ रहे थे उनको बदलने का काम किया, तो जो देश के अंदर जो काम हुए हैं, उस काम को देखते हुए, मोदी जी के काम को देखते हुए देश पूरे मूड में है। और अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। आप देख रहे हैं किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में भी जुनून है, किस प्रकार से जोश है, और देश के अंदर भी ऐसे ही जुनून। क्या नाम है आपका? जी, शारदा शर्मा। शारदा जी, राव साहब को टिकट मिलने की कितनी खुशी है आप? बहुत ज़्यादा खुशी है। पहले भी हमने उनके बहुत कार्यक्रम कराए, और बहुत ज़्यादा हमने गुरुग्राम में उनकी सभाएं अटेंड की हैं। हम बहुत 2006 से ही हम उनसे जुड़े हुए हैं, और वो जरूर से जरूर, वो तो यहाँ के दिल दिल में बसे हुए हैं, जनता के में सबके। क्या कहेंगे आप के इस बार भी फिर भाजपा की सरकार? सबसे पहले नाम बताइए। निधि कोटिया, जिला सचिव भाजपा गुरुग्राम। इस बार क्या, हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। अब तीसरी पारी है मोदी जी की? हाँ, हर बार, आगे भी चौथी पारी हर बार मोदी सरकार ही रहेगी, और हम सब कार्यकर्ता मोदी जी के साथ हैं, राव इंद्रजीत जी के साथ हैं, और पूरे बहुमत के साथ हम भाजपा की सरकार इस बार दोबारा से आएगी। सोनिया जी, क्या कहेंगे आप? पहले तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इंद्रजीत जी को दोबारा टिकट देने के लिए। और इस बार 400 पार निश्चित ही आएगा, इवन 404 का हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, एक पारित करने के लिए, संविधान पारित करने के लिए, तो 400 से ऊपर ही हमारी सीटें निश्चित ही आएंगी। पक्का है इस बार राव साहब को मतलब फिर विजयी बनाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ मतों से या कुछ मत रह जाएंगे, जैसे पिछली बार भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मत से विजय हासिल की थी, इस बार क्या होगा? पिछली बार की तरह क्या जो विपक्षी हैं उनकी जमानत फिर जब्त? बिल्कुल, इस बार डबल जब्त हो जाएगी और इस बार रिकॉर्ड। हाँ जी, और महिला शक्ति को आप देख रहे हो कितने जोश और शोर से सामने आ रही है, तो इस बार इंद्रजीत जी को और ज़्यादा बहुमत से हम जिताएंगे। आप आइए, आप बताइए कुछ, भाजपा में इस बार फिर राव साहब को टिकट मिली है, कैसी खुशी है आपको? बेतहा खुशी है, वो आप देख रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है, लड्डू खिला के हम खुशी मना रहे हैं। हाँ जी जी, आप आइए। क्या नाम है आपका? नेहा शालिनी दुआ। नेहा जी, आप बताइए भाजपा इस बार क्या 400 पार? बिल्कुल 400 पार, मैंने पहले ही कहा कि अगर और कोई आंकड़ा होता तो उससे भी पार हो जाते, लेकिन अब आंकड़ा ये तो 400 पार बिल्कुल है, डेफिनेटली है।